All right, now let's start with chapter 13, the receivable ledger. अब हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देखा है कि हम जब भी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट सेल्स करते हैं तो सबसे पहले तो हम उनको इनवॉइसेस इशू करते हैं और ये सब इनवॉइसेस सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होती हैं। फिर जब कोई क्रेडिट कस्टमर हमें अगर सेल्स रिटर्न कर देता है तो हम उनको क्रेडिट नोट्स इशू करते हैं और ये क्रेडिट नोट्स जाके फिर रिकॉर्ड होती हैं सेल्स रिटर्न डे बुक में। और जब भी कोई क्रेडिट कस्टमर हमें कैश पे करता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। सेल्स डे बुक एंड सेल्स रिटर्न डे बुक कैसे बनाते हैं ये पिछले चैप्टर में देखा है। पार्ट सिलेबस एरिया पार्ट बी में हमने कैश बुक की भी वर्किंग कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि जब सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक अलॉन्ग विद द कैश बुक जब ये हम बना लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप टू वेज चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेंटेन करना होता है रिसीवेबल लेजर। रिसीवेबल लेजर क्या होता है, इसमें हर कस्टमर का पर्सनल अकाउंट होता है इंडिविजुअली। सो इंडिविजुअली हर कस्टमर का पर्सनल अकाउंट हम बनाते हैं रिसीवेबल लेजर में और उसके बाद एंड पे हम रिसीवेबल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास आता है जर्नल लेजर और जर्नल लेजर में हमारे पास फिर अकाउंट्स होते हैं जिसमें जो कि टोटल वैल्यूज जो होती हैं सेल्स डे बुक एंड सेल्स रिटर्न डे बुक की, ये हम सेल्स अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स टैक्स अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, कैश का अकाउंट भी यहां पर होता है उसमें भी रिकॉर्ड करते हैं, एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये सारे टोटल्स जो हैं सेल्स डे बुक सेल्स रिटर्न डे बुक एंड कैश बुक इन सब के टोटल्स जो हैं वो रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट पे भी हम पोस्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सेल्स डे बुक सेल्स रिटर्न डे बुक और कैश बुक इनके टोटल एंड इंडिविजुअल बैलेंसेस कैसे पोस्ट करते हैं रिसीवेबल लेजर में और जर्नल लेजर में। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि सेल्स डे बुक सेल्स रिटर्न डे बुक कैश डे कैश बुक and then along with all the accounts in the journal ledger, these are all part of double entry system. And this receivable ledger, जहां पर हम personal या individual accounts को maintain करते हैं, these are never part of double entry system. Part of double entry का होने का मतलब क्या है या ना होने का क्या मतलब है? हमने जो अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था सेल्स डे बुक सेल्स रिटर्न डे बुक कैश बुक ऑल द टी अकाउंट्स इन जर्नल लेजर, ये सब उस अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। रिसीवेबल लेजर जो है वो उस अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं होता, आर नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो फिर हम ये बनाते क्यों हैं? क्योंकि इनको कहा जाता है मेमोरेंडम अकाउंट्स। ये मेमोरेंडम अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकें। फॉर एग्जांपल जब हम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट देखते हैं जर्नल लेजर में तो हमें ये पता है कि टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है, क्रेडिट कस्टमर से टोटल सेल्स टैक्स कितना इकट्ठा किया है, कितना टोटल कैश आपने रिसीव किया है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर ए को टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी की है, कस्टमर बी को क्रेडिट सेल्स कितनी की है, तो इंडिविजुअली ये इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी जर्नल लेजर से नहीं मिलती। इसलिए हम मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाते हैं रिसीवेबल लेजर के नाम से, जहां पर हर क्रेडिट कस्टमर का हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। बट रिमेंबर रिसीवेबल लेजर आर जस्ट मेमोरेंडम अकाउंट्स और मेमोरेंडम बुक्स इसको हम कह सकते हैं, एंड दीज आर नेवर पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसके बाद टॉपिक लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवेबल लेजर एंड पर्सनल अकाउंट्स को हम देखेंगे, पोस्टिंग कैसे करते हैं रिसीवेबल लेजर में ये देखेंगे, और रिसीवेबल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कैसे बनती हैं रिसीवेबल लेजर की पोस्टिंग करने के बाद वो भी हम देखेंगे।
एज रिसीवेबल एनालिसिस और कुछ अदर रिपोर्ट्स भी हम बनाते हैं क्रेडिट कस्टमर्स के लिए, वो क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ FA1 कोर्स, इररिकवरेबल डेट्स और बैड डेट्स। जब भी हमने बैड डेट्स बेसिकली होते क्या हैं, आपने क्रेडिट कस्टमर ए को $1,000 की क्रेडिट सेल की है आज, और उसको आपने बताया कि आपने 15 डेज के बाद मुझे पेमेंट करनी है, बट 15 डेज के बाद जब पे डेट आता है तो वो मुझे कंफर्म करता है कि मैं आपको कभी भी ये पेमेंट नहीं करूंगा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से उसके पेमेंट करने से इनकार कर दिया। तो मतलब ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये मैं कभी भी कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब जब मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा सो ही इज नो मोर माई अकाउंट रिसीवेबल, सो उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा एज अ बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है और सिंपल वर्ड्स में ये बिजनेस का लॉस होता है। अब बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है अलाउंस मेथड। तो ये दोनों मेथड्स जो है फिर हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे।